أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے میں وہ سنی ہوں زمین قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں زمین قادری مرنے کے سلام یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا غفر لنا آمدا یا واسع الکرم مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبي ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی ہی محبتوں کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف اور اس سے پہلے تلاوت کلام رحمان سے ہمارے پروگرام رنگ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے. آپ کا میزبان محمد حمزہ رفیق قادری رندھاوا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے. جتنے بھی ناظرین ہمیں سماعت کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر, فیس بک پر اور یوٹیوب چینل پر, تمامی احباب کو خوش آمدید. سامعین مکرم, آج کی 16ویں ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہوئے ہیں, خصوصی افطار ٹرانسمیشن رنگ رمضان کے اسٹوڈیو سے ہم لائیو نشریات اب تک پہنچا رہے ہیں. سامعین مکرم, آج کا پروگرام انشاءاللہ آپ آج کے پروگرام سے مستفیض بھی ہوں گے, مستنیر بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی آپ کو آج کے پروگرام سے ملے گا. سامعین گرامی قدر, ہمارے پروگرام میں تشریف لائے بڑے ہی خوبصورت ثنا خوان, دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے جن کے لب پر سرکار مدینہ کی نعت ہوتی ہے,
और नात को नात के ही अंग में पढ़ने वाले शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपकी फरमाइशें भी पूरी की जाएंगी और आप तक हुस्ने इखलाक के हवाले से और हुस्ने किरदार के हवाले से भी इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे बरादर मुकर्रम जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद अब्दुल कदीर रज़ा कादरी साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब मोहतरम भाई हाफिज़ मोहम्मद शेराज रज़ा कादरी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद हसन इम्तियाज़ कादरी साहब, आप भी तशरीफ़ लाए, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। सामईन ग्रामी कदर, बड़े खूबसूरत चेहरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह इस नौजवानी में रहते हुए सही हक अदा कर रहे हैं नात खानी का, और मिंबर रसूल पर भी जब ये खड़े होकर आका करीम अलैहिस्सलाम की सना खानी करते हैं तो दुनिया को पीछे छोड़कर जो सही रंग होता है नात का, उस अंदाज से ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत करते हैं। और हमारे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, इंशाल्लाह जो भी आपकी फरमाइशें हुआ करेंगी वो इंशाल्लाह हमारे सना खान पूरी करेंगे। सामईन ग्रामी कदर, कसीदा बुर्दा शरीफ और तलावत कलाम रहमान के बाद हमारे स्टूडियो से पहला कलाम आपकी समातों की नज़र। जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद हाफिज शेराज मत कादरी साहब से इल्तमास गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, करीम आका की बारगाह में अपनी मोहब्बतें अकीदतें निछावर करने की सआदत हासिल फरमाएँ। या मुस्तफा ताहो फिर इज़्ज़ने हाज़री का, या मुस्तफा ताहो के दे दो
का उमर का उस्मान का अली का या मुस्तफा अता हो और मीज़ा पे सब माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ कलाम पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे और इल्तिजा पेश कर रहे थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर कि हम सबको रमज़ान मुबारक में आका करीम अलैहिस्सलाम के रोज़े की हाज़री नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुजूर ताजदार कायनात मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बार बार बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। सामईन ग्रामी कदर रमज़ान मुबारक की एक बड़ी ही नेमतों वाली घड़ियाँ बरकतों वाली घड़ियाँ हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है कि जो रमज़ानुल मुबारक में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उसका इतना सवाब है कि ख़्वाह उसने बाकी दिनों में 1,00,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा हो। इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान मुबारक की इन पाक घड़ियों में हम सब ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सआदत नसीब फरमाए। आइए चलते हैं हमारे रंगे रमज़ान के स्टूडियो में अपने अगले सना खान की जानिब और सुनते हैं उनका कलाम जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल क़दीर रज़ा कादरी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ करीम आका लजपाल आका की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करने की सआदत हासिल फरमाएँ। आका तुम्हारे दर पर आना अच्छा लगता है, 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 आका तुम्हारे दर पर अच्छा लगता है, आँख में खाके तैबा लगाना अच्छा लगता है, आँख में खाके तैबा लगाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मदीना अच्छा लगता है, हम सबको अच्छा लगता है मदीना अच्छा लगता है, आका तुम्हारे दर पर आना
अच्छा लगता है। शेर सुनिए क्या खूबसूरत शेर है, जो तो मदीने शरीफ गया उसको अपने मदीने शरीफ की हाजिरी याद आ जाएगी। क्या कहते हैं शायर, कहते हैं कि गुंबद खसेरा के साए में हाल दिल अपना, गुंबद खसेरा के साए में हाल दिल अपना, रो रो कर आका को सुनाना अच्छा लगता है, रो रो कर आका को सुनाना अच्छा लगता है। सर आई ना सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं, रो रो कर आका को सुनाना अच्छा लगता है। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो, गुंबद खसेरा के साए में हाल दिल अपना, रो रो कर आका को सुनाना अच्छा लगता है, रो रो कर आका को सुनाना अच्छा लगता है। और बैठ के जन्नत में राती आँखों को, बैठ के जन्नत की क्यारी में राती आँखों को, छुप छुप के मिंबर पे उठाना अच्छा लगता है, चुप चुप कर मिंबर पे उठाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मदीना, अच्छा लगता है हम सबको, अच्छा लगता है मदीना, अच्छा लगता है। चलो मिलके करते हैं जिक्रे मदीना, चलो मिलके करते हैं जिक्रे मदीना, मदीना 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 मदीना, चलो मिलके करते हैं जिक्रे मदीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना, लो आया के अब आया जद्दा का साहिल, अब आएगा मक्का चलेंगे मदीना, अजब रंग बन गए बहारे मदीना, सब जन्नते हैं सारे मदीना, सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, हर आशिक की आंखों का तारा मदीना, मैं पैदल पैदल जब मदीने गया था, मैं पैदल पैदल जब मदीने गया था, मैं पहले पैदल जब मदीने गया था, मैं पैदल पैदल जब मदीने गया था, तो दी दिल
की गाल तड़प जाने वाल वो दरबार सच मुझ मेरे सामने अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याल मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में उनकी जान दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली पहाड़ों पे भी हुस्ने कांटे भी दिलकश के कुदरत ने कैसा सवारा मदीना खुदा कर कयामत में फरमाए मांगो तो लगाएंगे दीवाने नारा मदीना आका तुम्हारे दर पर आना अच्छा लगता है वल्ला बिल्ला तल्ला बोलो ना आका तुम्हारे दर पर आना अच्छा लगता है। शेर सुनिए, आखिरी शेर है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी महफिल किस तरह की हुआ करती थी और हम इस तरह कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम इस्तकामत अता फरमाए, इसी तरह हुजूर का जिक्र करते रहे। तो शेर सुनिए क्या खूबसूरत शेर कहते कहते हैं कि बैठ के आशिक की महफिल में नाते सुन सुन कर क्या बात बैठ के आशिक की महफिल में नाते पढ़ पढ़ कर याद में तेरी रोना रुलाना अच्छा लगता है याद में तेरी रोना रुलाना अच्छा लगता है फूलों की वफा याद न कांटों की जफा याद जब उनको किया याद तो कुछ भी न रहा याद याद में तेरी रोना रुलाना अच्छा लगता है अच्छा लगता है मदीना अच्छा लगता है हम सबको अच्छा लगता है मदीना अच्छा लगता है आका तुम्हारे दर पर आना अच्छा लगता है लगाना आँख में खाके तैबा लगाना अच्छा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहने माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ आका करीम अलैहि सलातु सलाम की बारगाह में मदहा सराई फरमा रहे थे जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल कदीर रज़ा कादरी साहब। सामईन मुकर्रम मदीना पाक की हर चीज़ ही अजमतों वाली है शान वाली है रिफ़तों वाली है बुलंदियों वाली है वो चाहे मदीना पाक की खाक हो या मदीना पाक से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपनी हयाती में रहते हुए अगर एक बार मदीना पाक की ज़्यारत नसीब फरमाए तो इंशाल्लाह हम भी देखेंगे वहाँ के नज़ारे कैसे हैं और वहाँ की बहारें लूटने के मज़े ही कुछ और हैं वहाँ की कैफियात कुछ और हैं। अल्लाह करीम से दुआ है माहे रमज़ान मुबारक में ही हम सबको एक मरतबा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की हाज़िरी नसीब फरमाए। सामईन मुकर्रम पंचतनी साउंड सिस्टम के ज़ेर तमाम खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रंगे रमज़ान के स्टूडियो से अब तमामी अहबाब लाइव नशरियात समाप्त कर रहे हैं। हमारे साथ जितने भी दोस्त अहबाब हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने और जो हमें समाप्त कर रहे हैं कमेंट्स दे रहे हैं अल्लाह करीम तमाम को बड़ी बरकतें अता फरमाए बड़ी मोहब्बतें करते हैं और इंशाल्लाह अगर इसी तरह से मोहब्बतें आपकी शामिल हाल रहीं तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद आसान तरीके से आप तक हम लाइव नशरियात
पहुंचाएंगे। यकीनन आपको हमारे आज की इस ट्रांसमिशन में पता चल गया होगा कि हमारी आहिस्ता आहिस्ता और दिन ब दिन हमारा इंशाल्लाह मजीद आसान तरीके से हम ट्रांसमिशन आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी जितनी भी पूरी पंचतनी टीम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम अहबाब को बड़ी बरकतें अता फरमाए। जितने हमारे सना खान तशरीफ़ लाए माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से पढ़ने वाले हैं, अल्लाह करीम तमाम को बड़ी बरकतें अता फरमाए। और ये जो अंदाज है पढ़ने का सना खानी का, ये अल्हम्दुलिल्लाह सदा बहार है, ये इसको कभी जवाल नहीं है, बल्कि ये अंदाज सदा बहार अंदाज है। अल्लाह करीम हम सबको इसी तरह से आका करीम अलैहिस्सलाम की सना खानी करने की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में करीम आका की बारगाह में मोहब्बतें पेश करने की सारत नसीब फरमाए। आइए सामईन ग्रामी कदर हमारे रंगे रमज़ान के स्टूडियो में हमारे अगले मेहमान सना खान जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद हसन इम्तियाज़ कादरी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे इल्तमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, करीम आका लजपाल आका की बारगाह में अपनी मोहब्बतें अकीदतें निछावर करने की सआदत हासिल फरमाएँ। लबैक 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 एक गूंज सुनाई देती है मखलूक दुहाई देती है मखलूक दुहाई देती है वो विर्द में जैसे अर्जो समाला बै अल्लाह बै अल्लाह बै सांसों में रवा सांसों में रवा है जिक्र तेरा लबै अल्लाह बै रहमत का सर पर साया हो जब तेरे पास बुलावा हो रहमत का सर पर साया हो जब तेरे पास बुलावा हो रहमत का सर पर साया हो जब तेरे पास बुलावा हो जब तेरे पास बुलावा खुशी से कहता हुआ लबै अल्लाह लबै अल्लाह लबै अल्लाह लबै अल्लाह सांसों में रवा है
सांसों में, सांसों में रवा है जिक्र तेरा। लबै अल्लाह, लबै अल्लाह, लबै अल्लाह, लबै माशाल्लाह सुबहानअल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद हसन इम्तियाज़ कादरी साहब करीम आका की बारगाह में अपनी हाज़री पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे। सामईन मुकर्रम, हमें ज्वाइन किया हमारे स्टूडियो में जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद शाहिद अंजुम चिश्ती साहब ने, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे इल्तमास करते हैं कि एक कलाम हमारे सामईन की नज़र कीजिए। बिस्मिल्लाह। जगमग जगमग उनकी अता से मेरे शाम सवेरे, जगमग जगमग से मेरे शाम सवेरे, लब पर हर दम नाम नबी है मेरे शाम सवेरे, लब पर हर दम नाम नबी है मेरे शाम सवेरे, ताज सवेरे, उनके नगर में रात नहीं है अंधियारों की बात नहीं है, पल पल नूर बखेरे शाम सवेरे, गुंबद खजरा पल पल नूर बखेरे शाम सवेरे, शाम
सवेरे चारों तरफ से अपने करम के घेरे शान सवेरे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद शाहिद अंजुम चिश्ती साहब करीम आका की बारगाह में हदीये मोहब्बत पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे। अरबाब बीनो दानिश खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रंगे रमज़ान के स्टूडियो से तमामी अहबाब पंचतनी इस्लामिक मीडिया के पेज पर समाअत कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे पेज को लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब तक पहुँचाएँ ताकि जिन अहबाब तक हमारी नशरियात नहीं पहुंच रही उन अहबाब तक भी हमारी नशरियात पहुंच सके। आइए एक और कलाम समाप्त करते हैं जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद हसन इम्तियाज़ साहब की खूबसूरत आवाज़ में। आप तशरीफ़ लाएं करीम आका की बारगाह में अपनी मोहब्बतें अकीदतें पेश करने की सआदत हासिल फरमाएं। आप सा नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आपने जब से नवाजा है यार रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे फैलाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौखट पे फैलाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, और जब कहा सरकार ने ये मेरा है जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकी रोने मुझे हाथ लगाया ही नहीं,
की रोने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। क्या बात है। और जो भी काबे से पलट आया मदीने न गया, पलट आया मदीने न गया, तो ये समझो उसे आका ने बुलाया ही नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये समझो उसे बुलाया ही नहीं, आप दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ और एक मुनफरिद अंदाज़ के साथ करीम आका की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे। सामईन मुकर्रम, आइए चलते हैं हमारे रंगे रमज़ान के स्टूडियो में अगले सना खान की जानिब। सुनते हैं बड़ा खूबसूरत कलाम उनकी खूबसूरत आवाज़ में, जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल क़दीर रज़ा क़ादरी साहब की खूबसूरत आवाज़ में। बड़ा खूबसूरत कलाम है, लाजमी समाअत कीजिए और इससे मुस्तफीज भी हो जिए। माशाल्लाह, वाकई में बहुत खूबसूरत कलाम है मौलाना हसन रज़ा ख़ान अली रहमा का लिखा हुआ कलाम, और इसके बहुत सारे शेर हैं। मैं इंशाल्लाह इसमें से कुछ शेर आपको समातों की नज़र करता हूँ, सबकी तवज्जो चाहिए। बिस्मिल्लाह। तुम्हारा नाम मुसीबत में जबलिया होगा, मुसीबत में जबलिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जबलिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जबलिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका किया
किया होगा किया बगैर किया बे किया किया होगा खुदा का लोग होगा दस्तगीर जरूर खुदा का लोग होगा दस्तगीर जरूर जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा या रसूल अल्लाह जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया अगले पिछले खुशी खुदा पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी खुदा पाक खुशी उनकी चाहता होगा खुदा पाक खुशी उनकी चाहता होगा खुदा पाक खुशी उनकी चाहता होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा जबान सूखी दिखा कर कोई लबे कौसे जनाब पाक के कदमों में लौटता होगा कोई करीब तराजू कोई लबे कौसे कोई करीब तराजू कोई लबे कौसे सिरात पे उनको पुकारता होगा कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा अबू इला गैरी नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कयामत का दिन हर किसी को अपने अपनी पड़ी होगी जब उम्मत जाएगी नबियों के पास और नबियों के पास वो कहेंगे इस हबू इला गैरी यानी किसी और के पास जाओ किसी और के पास तो हुजूर के लब पर होगा आना रहा आओ मेरी तरफ आओ मैं ही शिफात करने के लिए इमाम कहते हैं कि कहेंगे और नबी इस हबू इला गैरी कहेंगे और नबी इस हबू इला गैरी मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा मुसीबत में जब लिया होगा
در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ایک در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا تمہارا روح مصیبت میں جب لیا ہوگا مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ حضرت حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ کل محشر کے روز آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کے لیے وہاں پر موجود ہوں گے اور حضور تاجدار کائنات مکین گنبد خضرا کے پیارے پیارے ید اللہ والے ہاتھوں سے انشاءاللہ ہم آب کوثر بھی نوش کریں گے سامعین گرامی قدر آئیے رنگ رمضان کے اسٹوڈیو سے اگلا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب محترم بھائی محمد شاہد انجم چشتی صاحب آپ تشریف لائیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں میرے ورد لب ہے نبی نبی
माशाअल्लाह बहुत खूब। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अल्लाह करीम आपको बड़ी बरकतें अता फ़रमाए। बहुत खूब सामईन मुकर्रम आप समात कर रहे थे जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद शाहिद अंजुम चिश्ती साहब को। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी आवाज़ में, आपके ज़ौक में और सोज़ो गदास में बड़ी बरकतें और वसअत अता फ़रमाए। ग्रामी कदर हमारे स्टूडियो से आखिरी कलाम आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ इन अशार के साए तले के। इश्क की वारदात लिखता हूँ, फ़क्त इतनी सी बात लिखता हूँ, लोग कहते हैं एक नबी जिसे मैं उसे कायनात लिखता हूँ। सामईन ग्रामी कदर आइए समात करते हैं अपने बरादर मुकर्रम जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल कदीर रज़ा कादरी साहब को। आप तशरीफ़ लाएँ और मनकबत के चंद अशआर हमारे सामईन की नजर फरमाएं। मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम दे दो पंजे तन के नाम, मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम दे दो पंजे तन के नाम। हमने झोली गए फैलाए बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने झोली गए फैलाए बड़ी देर से, डालो नजर करम सरकार, 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 अपने मंगतों पर एक बार हम
में महफिल है सजाए बड़ी देर से मेरे मीरा हमने महफिल है सजाए बड़ी देर से हम जो बनाओ बात बनेगी तुम जो बनाओ बात बनेगी दोनों जहां में नाज रहेगी लाज रहेगी लजपाल करम अब कर दो लजपाल करम अब कर दो लजपाल करम अब कर दो मंगतों की जोनियां भर दो कासा सबका समझे तनी खैर से फिर मेरा भर दो कासा सबका समझे तनी खैर से दिल की कली कुछ आज खिली है दिल की कली कुछ आज खिली है आप आएंगे खबर मिली है खबर मिली है जरा धीरे 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 आना हाँ जरा धीरे धीरे आना जरा धीरे 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 आना लिल्लाह करम फरमाना हमने कुटिया है सजाए बड़ी देर से कदम कर दरे औलिया पर है तेरा कदम कदने औलिया पर गए तेरा तू है रब का ऐसा वाली वासे खिलाता पिलाता है रा पे दो खिलाता पिलाता है रे दो तुझे देखे अपनी कसम वासन डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार मेरे चांद में सदके आ जा इधर भी मेरे चांद में सदके आ जा इधर भी चमक होठे दिल की जिला पाएगा दिल हो तेरा जाता जिला पाएगा दिल देना जाता जरा रख दो अपना कतावा से आजा डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार अपने मंगतों पर एक बार हमने महफिल गए सजाए बड़ी देर से हम मुश्किल जब भी सर पर मुश्किल जब भी सर पर आई तेरी रहमत आड़े आई आड़े आई वो जब मैंने तुम्हें पुकारा जब मैंने तुम्हें पुकारा जब मैंने तुम्हें पुकारा मेरा जब मैंने तुम्हें पुकारा या वास मैंने तुम्हें पुकारा काम आया तेरा सहारा चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से या वडा पी
दस्तगीर डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार अपने मंगतों पर एक बार हमने महफिल है सजाई पड़ी दे से माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ वलियों के वली इमामों के इमाम शाहबाज़े लामकानी कुतबे अरबानी हज़रत मीरा महयुद्दीन अशेख अब्दुल कादर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अपनी हाज़री पेश कर रहे थे जनाब मोहतरम हाफिज़ अब्दुल कदीर रज़ा कादरी साहब। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़ूर ग्यारहवीं वाले पीर के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को आपके दर की बार बार हाज़री नसीब फरमाए और वहाँ के मज़े लूटने की तौफीक अता फरमाए। सामईन ग्रामी कदर आपका मेज़बान मोहम्मद हमज़ा रफ़ीक कादरी रंधावा आपसे इजाज़त तलब करता है। इंशाल्लाह कल फिर से नए मेहमानों के साथ नए सनाखानों के साथ फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।